ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन और इंदौर के रेलवे स्टेशन से बोरियों में बंद महिला की लाश ने सनसनी मचा दी है। यह मर्डर मिस्ट्री सुलझाते हुए रेलवे पुलिस को लगभग 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ना तो मृतका की शिनाख्त कर पाई है और ना ही उन्हें यह पता चल पाया है कि आखिर मृतका के शवों के टुकड़े करने के बाद इन्हें बोरियों में बंद कर किसने इन्हें ट्रेन में चढ़ाया था। अब तक 2 राज्यों की पुलिस, ऋषिकेश और इंदौर की पुलिस हत्यारों तक पहुंचने के लिए कई प्रयास कर चुकी है, लेकिन उन्हें ना तो सीसीटीवी फुटेज से और ना ही किसी संसाधन से यह पता चल पाया है कि हत्यारे आखिर कौन थे। लेकिन इस बीच पुलिस को यह जानकारी लगी है कि उज्जैन स्थित प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 और प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर यह दोनों ट्रेन इंदौर नागदा पैसेंजर ट्रेन और ऋषिकेश एक्सप्रेस एक साथ यहां से होकर गुजरती है। इंदौर पुलिस इसके लिए उज्जैन पहुंची थी, जहां उन्होंने जीआरपी की सहायता से प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर यहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे। पुलिस का मानना था कि सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद उन्हें उन हत्यारों का सुराग लग पाएगा जिन्होंने इन बोरियों में अलग अलग तरीके से महिला के शवों को रखा था। लेकिन चूंकि रेलवे स्टेशन पर इन दिनों रिनोवेशन कार्य चल रहा है, इसीलिए यहां के सीसीटीवी फुटेज पुलिस को हाथ नहीं लग पाए। लेकिन इंदौर पुलिस को यह पता जरूर लगा है कि रेलवे स्टेशन के बाहर एंट्री और एग्जिट पर कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिनको खंगालने पर वे उन हत्यारों तक पहुंच सकती है, क्योंकि इन हत्यारों ने बड़े बड़े बोरों में महिला के शव के अंगों को रखा था, जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग ट्रेनों में रेलवे पुलिस इंदौर ने बरामद किए हैं। इस मर्डर मिस्ट्री में अब इंदौर और ऋषिकेश के बाद उज्जैन भी शामिल हो चुका है, जहां पर पहुंचकर पुलिस इस पूरे मामले को सुलझा रही है और ऐसे प्रयास कर रही है जिससे कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। हमारे सूत्रों को यह भी पता चला है कि उज्जैन का नाम इस पूरे मामले से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि जिस चावल के कट्टों में यह शव मिले हैं, वह उज्जैन का फेमस ब्रांड है और हत्यारे ने कहीं ना कहीं उज्जैन में ही इस वारदात को अंजाम दिया होगा, जिसके कारण यह बोरे उसमें देखे जा रहे हैं। वैसे इंदौर रेलवे पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है, जिसके माध्यम से पुलिस सभी से यह आग्रह कर रही है कि जो भी इस महिला को जानता हो वह तुरंत इस बारे में बताएं और इस मामले को सुलझाने में उनकी मदद करें। उज्जैन से अमर उजाला के लिए नीलेश नागर की खबर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।